हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वक्त बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में, बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले लाइव वीडियो के ऊपर जहाँ पे मैं रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसको पॉडकास्ट में भी सुन रहे हो तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। तो आज के इस वाले वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर में ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो जैसे कि आप कहीं पे बिल्डिंग में हो या फिर आपने कई जगह पे हो तो उस प्रॉपर्टी के आप मालिक नहीं हो, बट वहाँ पे आप रेंट पे करके दे रहे हो वहाँ पे, तो उसे बोलते हैं लीज। मतलब कि रेंट हो गया, रेंट आता है घर के लिए और लीज आता है कोई प्रॉपर्टी के लिए। मान लो कि कोई ऑफिस है, रिटेल शॉप है, तो वहाँ पे आता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो बट आप उस प्रॉपर्टी को लीज पे या फिर उस प्रॉपर्टी में रेंट पे रह रहे हो। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitluxbamania.com/gift, तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। तो उसे बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो आपने, आपके पास कोई राइट्स नहीं है उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करने का, कि मान लो कि उसके ऊपर कलर कर दिया, उसके ऊपर टाइल्स लगा दी, तो आपके पास कोई राइट नहीं है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको उस जो लैंडलॉर्ड है, जिसका जिसकी जो ज़मीन है, जिसका जो ऑफिस है, घर है, तो आप उसको बोल सकते हो कि क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, क्या मेरे को परमिशन है, तब जाके आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बट इसमें जब भी आप कोई भी लीज के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें आपको एक ध्यान में रखना है कि इसका मेंटेनेंस चार्जेस कौन करेगा। मान लो कि आप किसी और प्रॉपर्टी में जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले बात पूछ लो कि इसका मेंटेनेंस मैं करूँगा या फिर आप करोगे, क्योंकि मालिक वो है तो उसको ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मान लो कि कहीं यहाँ पे लाइट बंद हो गई या फिर कोई जो वाटर सप्लाई बंद हो गई, तो उस मालिक की जिम्मेदारी है कि उसके जो लीजी है, मतलब कि वहाँ पे कोई रहने वाले है, तो उसको प्रॉपर डिटेल प्रॉपर में वहाँ पे सप्लीमेंट मिल जाए। मान लो कि कोई पानी की दिक्कत हो गई थी, तो मालिक को वो सारी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा एक लीजी को जो वहाँ पे रह रहा है इसको। तो इस तरीके से इजी एंड सिंपल वे में आपको रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीखनी है, तो आप इस वाले पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।